मुरादाबाद छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग स्थित चौराहे के सौंदर्यकरण एवं मार्ग पर शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन। यह आपको बता दें, शिवसेना व्यक्ति एक दशक से छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के सौंदर्यकरण के लिए संघर्षशील है। आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर निगम के मेयर माननीय श्रीमती बीना अग्रवाल जी के कार्यकाल में शिव सैनिकों ने संघर्ष करके इंपीरियल तिराहे का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग रखवाया था। महोदय, आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश व देश में राष्ट्रवादी व हिंदूवादी सरकार नए भारत की सोच में गुलामी की मानसिकता को खत्म कर देना चाहती है। ऐसे में हमारे महापुरुषों एवं वीरों के नाम पर विभिन्न चौराहे बनाए जा रहे हैं। यही कार्य 10 वर्ष पूर्व शिव सैनिकों ने भी किया था। महोदय, आज MDA से लेकर बुद्ध बाजार तक जगह जगह स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी पर हैं, पर पिछले 10 साल से शिवाजी मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ना तो कोई मूर्ति है, ना ही उसका सौंदर्यकरण किया गया है। अतः शिवसेना आपसे मांग करती है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी का केंद्र बने हुए बुद्ध बाजार के मुख्य 13 आए छत्रपति शिवाजी मार्ग का सौंदर्यकरण एवं वहाँ पर वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना की जाए। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। शिवसेना के मैं शिवसेना का जिला प्रमुख मिले तो मेरे साथ शिवसेना के समस्त पदाधिकारी हैं और भवानी सेना की जिला अध्यक्ष हैं मधुबाला जी, कमल सिंह रावत जी, युवती उपाध्याय जी। हम सब लोगों का मुख्य विषय आप लोगों ने देखा कि स्मार्ट सिटी को लेकर के पूरे महानगर में एक आक्रोश है। आक्रोश इसलिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ फोड़ हुई लेकिन कार्य नहीं हुआ। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसे जिस समय समाजवादी की सरकार थी उस समय से इम्पीरियल तिराहे का नाम लड़ाई करके संघर्ष करके धरने प्रदर्शन करके इसका नाम छत्रपति शिवाजी चौक रखवाया। उस छत्रपति शिवाजी चौक के बाद ये हुआ कि आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हिंदूवादी सरकार है। इस चौक के लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इसका सौंदर्यीकरण हो, यहाँ भगवा ध्वज लहराएं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की महान प्रतिमा बने और लोगों को लगे कि ये जो है कि कहते हैं जब जाएं तो लगे कि ये हिंदुओं का एक स्थल, खूबसूरत स्थल बना हुआ। लेकिन उसको लेकर के भी हम माननीय आप मेयर महोदय से मिल चुके हैं, MNA महोदय से मिल चुके हैं, DM के यहाँ से भी ज्ञापन दे दिए, लेकिन कोई वो नहीं। आज शिव सैनिकों ने इस विषय को लेकर के गंभीरता से पदाधिकारियों दिए कि आज हम वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ पर एक धरना देगी शिवसेना। लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का हमेशा एक ही रहता है कि जब भी शिवसेना धरना प्रदर्शन की कोई भी विषय उठाती है तो प्रशासनिक अधिकारी दबाव बना करके, पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी दबाव बनाते हैं। और जिसको आपने देखा कि सुबह से घर पर पुलिस बैठा दी गई कि ये धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन शिवसैनिकों ने अपनी बात को रखा और प्रशासनिक अधिकारियों से संघर्ष करते हुए आज हमने ये ज्ञापन दिया। और इस ज्ञापन का मुख्य विषय यही रहा कि हम सब लोगों ने यही बात रखी कि ये मूर्ति लगे, सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए नगर निगम के अधिकारी आए, उन्होंने ज्ञापन लिया और हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि इस विषय पर शीघ्र ही हम काम करेंगे। और ये जो लोगों की जो दिक्कत है, ये रोड बंद है और इस कार्य में शीतलता आई है, इसको भी शीघ्र पूरा करेंगे। जय भवानी, जय जय भवानी, जय हमें सेंड कर दो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।